भैरुंदा के शासकीय महाविद्यालय का एसडीएम अर्पित गुप्ता द्वारा औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई प्रोफेसर अनुपस्थित पाए गए। जानकारी के अनुसार स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय की कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि यहां पर प्रोफेसर टाइम से नहीं आते, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं जब एसडीएम द्वारा कॉलेज का औचक निरीक्षण किया गया तो वहां पर प्रोफेसर नदारद मिले। वहीं कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने एसडीएम को बताया कि वाइवा का पेपर हुआ ही नहीं और बच्चों को फेल कर दिया गया, जबकि उसकी डेट 19 मार्च की रखी गई थी। वहीं छात्र छात्राओं ने एसडीएम को बताया कि यहाँ पर शिक्षकों के आने का कोई टाइम नहीं है। वहीं शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं से अभद्र भाषा में बात की जाती। इस मामले में एसडीएम अर्पित गुप्ता ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। काम के लिए खड़ा है तो प्रिंसिपल मैडम तू तड़ाके से बात करती है, क्लासेस नियमित नहीं लग रही है और किसी भी शिक्षक का समय फिक्स नहीं है कॉलेज आने का। कोई 10 बजे आ रहा, कोई 12 बजे आ रहा, कोई 1 बजे आ रहा, कोई 3 बजे आ रहा। कौन से कॉलेज की बात? कॉलेज स्वामी विवेकानंद भेजूंगा। आचार्य मैडम आ जाती के समय जी को बाय 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 बाय। और आपका रिजल्ट आ गया? पहले रिजल्ट आ गया, पहले आ गया। तो इस बाय 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 का फिर रिजल्ट में क्या है? आपको पता नहीं, उसमें सारे मतलब पूरी क्लास अब्सेंट दर्शाई गई है। अब्सेंट दर्शाई गई? आपकी बाय बाय हुआ नहीं? पहले बाय बाय हुआ, बाय बाय की डेट आज रखी है। बाय बाय की डेट आज रखी है। कौन से कॉलेज की बात कर रहे हैं आप? शासकीय महाविद्यालय दरौंदा। कॉलेज के रिलेटेड दो तीन कंप्लेंट मिल चुकी है कि प्रिंसिपल मैम लेट आती हैं कई बार, और इसके अलावा मुझे एक कंप्लेंट मिल चुकी है कि स्कूल की जो स्कूल कॉलेज प्रशासन है जो यहाँ पे, वो कॉलेज प्रशासन में पूरी तरह से एक्टिवली जो इन्वॉल्व नहीं है, बच्चों के ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस वजह से कहीं ना कहीं जो बच्चों का एक हमें कह सकते हैं कि भविष्य है, उसकी तरफ से पूरा ध्यान नहीं है कॉलेज प्रशासन का। तो इसकी वजह से मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया था, और मेरे निरीक्षण में पाया गया है कि प्रिंसिपल मैडम आज भी नहीं आई है। उसके द्वारा ऐसा बताया गया है कि डेली ऑफिस में गई हुई थी किसी मीटिंग के लिए। इस बिंदु पे भी जांच की जाएगी। इसके अलावा हमने काफ़ी सारे लोगों के बयान लिए हैं, इसके आधार पर प्रतिवेदन बनाया जाएगा जो कि कलेक्टर साहब के माध्यम से ऊपर जो है एडी और कमिश्नर हायर एजुकेशन को भेजा जाएगा, और इस पर जो भी कार्यवाही होगी ये तो जो है वहाँ पर राज्य स्तर से होगी, लेकिन हम अपने द्वारा जो भी हमने पाया है प्रतिवेदन बनाने में भेजेंगे। पूर्व में भी सर इस कॉलेज को लेकर कई शिकायतें दर्ज हैं, और इसमें एक लैब है कंप्यूटर लैब, जिसमें बच्चों को शायद पहले पढ़ाया नहीं जाता था, बाद में मुख्यमंत्री जी से भी उसकी शिकायत हुई, इसके बाद भी अभी कोई सुचारू रूप से चालू नहीं हुई। तो ज़रूर ये जो लैब वाली आपने बात बताई, इसमें अभी एक लैब असिस्टेंट की यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो गई है, तो लैब अटेंडेंट भी है यहाँ पे। तो जो है अगर ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है ये बात मेरे संज्ञान में नहीं है। मुझे जहाँ तक बताया गया था कि लैब यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे अटेंडेंट की अपॉइंटमेंट है, अगर ये एक बिंदु है तो इस पर भी हम जाँच करवाएंगे, और ये भी हम अपने प्रतिवेदन में ज़रूर डालेंगे। हमारा ये प्रयास है कि कॉलेज अच्छे से चलता रहे, कि कॉलेज में 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं और इनका भविष्य जो है हमारे देश के भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। कोशिश रहेगी कि हम जो है प्रतिवेदन बनाएं और जो भी सच है वो ऊपर पहुंचाएं, ताकि जो भी राज्य स्तर से आवश्यक कार्यवाही हो सके। भैरुंदा से नफीस मंसूरी की रिपोर्ट।